भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन जो हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एक देश के प्रति रक्षा को आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनाने के जो हथियारों को नई से नई डिजाइन और नए से नए आयाम में लाने का जो ये कार्यक्रम कर रहा है, लेके चल रहा है, बहुत ही सराहनीय है। सारे वैज्ञानिक हमारे देश के इसके लिए बड़े ही अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हमारे देश में अब एक से एक नए हथियारों पर अनुसंधान हो रहा है। रेल गन जो अपने आप में एक बहुत ही नई तरह का हथियार सैनिकों को मिलने की जो एक संभावना है, बहुत ही बड़ी देन और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से हम 200 किलोमीटर तक की हम मार कर सकते हैं। और इसमें जो गोला है उसमें कोई भी बारूद एम्युनिशन का उपयोग नहीं है। ये रेल गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से इसका उपयोग होता है और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को उत्पन्न करके हम एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी का उसमें निर्माण करते हैं जो हमारे उस गोले को फेंकने का काम करती है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे पर्यावरण के लिए भी ये कितनी अच्छी इको फ्रेंडली जो है आर्मामेंट्स है, वेपन है हमारे देश की सेना के लिए, जो हमारे देश के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की एक देन सिद्ध होने जा रही है इन सैनिकों के लिए। हम सब लोग इस अनुसंधान विकास के कार्य को बखूबी से करने के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को बहुत ही बहुत बधाइयां देते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि वास्तव में आप देश के वीर सैनिकों के लिए जी तोड़ कर जो आप डिजाइन अनुसंधान विकास और जो ट्रायल कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छी एक गति है हमारे सैनिकों को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के हथियारों के प्रति एक जो सामान मिलेगा, उनको जो चीज़ मिलेगी वो अपने आप में देश की चीज़ होगी, देश के द्वारा विकसित चीज़ होगी, जो बहुत ही बड़ी उपलब्ध है। आइए हम सब लोग अपने देश के प्रति और आत्मनिर्भर और स्वदेशी का ऐसा आयाम और जज्बा बनाएं कि हर क्षेत्र में अनुसंधान करें, विकास करें और देश को स्वावलंबी और अपने पैरों पर, अपने कंधों पर खड़ा होने का जो हमारा विजन इंडिया 2047 है, उसको लाने की पूरी कोशिश करें। वास्तव में अब हम एक डेवलप्ड कंट्री की हैसियत से काम करने का अपकार को लागू करने की बात सोचें, उसी को सपने को साकार करें और वही हमारा देश के प्रति एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और सेवा है। आइए हम सब लोग ऐसे ही कार्य करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।